मूर्ख बंदर और चंद्रमा। पंचकनी नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल पर एक जगह पर पेड़ों पर एक बंदरों की टोली रहती है। बंदर दिन भर पेड़ों पे फल खाते और पानी पीने के लिए कुएं पर जाते। ऐसे ही उनके दिन खेलते खेलते कटते जा रहे थे और एक छोटे बंदर को जोरों की प्यास लगती है। वो बंदर रात के अंधेरे में बहुत डरता है, लेकिन प्यास की वजह से वो हिम्मत करके उस कुएं पर पानी पीने के लिए सोचता है। अरे क्या करूं, इतना अंधेरा है लेकिन प्यास की वजह से गला ही सूखा जा रहा है। सुबह तक पानी नहीं मिला तो मर ही जाऊंगा। तभी छोटा बंदर अपने दूसरे साथी बंदर को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है, अरे नहीं रे बाबा, मैं तो सुसु करने के लिए भी रात को अपनी माँ के साथ ले जाता हूँ, पानी पीने के लिए ना रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर छोटा प्यासा बंदर प्यास की वजह से हिम्मत करता है और पानी पीने के लिए उस कुएं पर अकेले ही चला जाता है। लेकिन पानी पीने के लिए जैसे ही उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे पानी में चंद्रमा झील में मिलता हुआ दिखाई दिया। ये देख कर वो बहुत डर गया और दूसरे बंदरों को ये बात बताने के लिए दौड़ा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, पानी में चंद्रमा गिर गया। अरे सुनो, पानी में चंद्रमा गिर गया। छोटे बंदर के चिल्लाते से सब लोग जाग जाते और घबरा जाते। तभी उसका साथी दूसरा बंदर उससे पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? वो चंद्रमा कहाँ, किस जगह पर गिरा है, कहाँ कहाँ दिख रहा है वो, क्या वो जिंदा है? हाँ हाँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो अभी भी जिंदा है और कुएं में पानी में है। ऐसा कहकर छोटा बंदर अपने सभी साथियों को कुएं तक ले गया और सभी झुंड बनाकर कुएं में झांकने लगे। छोटे बंदर का साथी दूसरा बंदर कहता है, अबे हाँ, चंद्रमा तो पानी में गिर गया और वो डूबकर मर जाएगा। अरे उसे बचाओ कुएं, नहीं तो चंद्रमा मर जाएगा। ऐसा कहकर सारे बंदर मिलकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। ये देखकर छोटा बंदर कहता है, अरे भैया, हमारी बात तो कोई भी नहीं सुन रहा, हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे, हमारा सुंदर चंद्रमा मर जाएगा। अबे हाँ, रात हो जाएगी और थोड़े ही देर में चंद्रमा डूबकर मर जाएगा और पूरे जंगल में घना अंधेरा छा जाएगा। हमें तो डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे। तभी उनमें से एक बूढ़ा बंदर वहीं पर होता है। वो सब बंदरों की बात सुनकर कहता है, अरे मेरी बात सुनो, हम एक काम कर सकते हैं, हम सब ने मिलकर चंद्रमा को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बताओ हमें करना कैसे है। वो देखो, कुएं के ऊपर पेड़ की एक बड़ी डाली लटक रही है, हम सभी को उसमें लटक जाना चाहिए और चंद्रमा को उस कुएं से बाहर खींचकर निकाल लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। सारे बंदर कुएं के ऊपर आए, पेड़ की डाली से लटकने लगे और कुएं के भीतर झूलने लगे कि तभी उनमें से एक बंदर कुएं के भीतर पानी में हाथ डालकर चंद्रमा को छूकर उसे पकड़ने और निकालने की कोशिश करता है और तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और सभी मूर्ख बंदर कुएं के पानी में गिर जाते हैं और सभी अब चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहां से गुजरता हुआ एक जिराफ उनके पास आता है और वो कुएं में आकर उनसे पूछता है, अरे तुम सब बंदर यहाँ इस कुएं में क्या कर रहे हो, सामूहिक आत्महत्या क्या? तभी जिराफ को हंसता देख छोटा बंदर उससे कहता है, अरे क्या जिराफ भाई, हमारी मदद करने के बजाय हम पे हंस रहे हो। अरे पहले बताओ तो क्या मदद करूं? अरे थोड़ी देर पहले इस कुएं में चंद्रमा गिर गया था और हम डर के मारे, हाँ कि पूरे गांव में अंधेरा हो जाएगा, उसे बचाने आए, लेकिन बचाने के चक्कर में पेड़ की डाली टूट गई और हम सब यहाँ डूब गए, अब हम क्या करें बताओ। बंदर की ये बात सुनकर जिराफ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या चंद्रमा और कुएं में गिर गया? अरे मूर्ख, चंद्रमा कभी नहीं गिरता, वो तो ऊपर आसमान में ही रहता है, जो तुम देख रहे हो वो उसका प्रतिबिंब है। जिराफ की बात सुनकर सभी बंदर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और अपना माथा पकड़ लेते हैं।
जिराफ अपनी लंबी गर्दन से कुएं में झुककर सारे बंदरों को निकाल लेता है और फिर वो कभी ऐसी मूर्खता नहीं करते। विशाल खरगोश और शैतान बच्चा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पप्पू नाम का एक शैतान बच्चा रहता था। वो घर में किसी की भी नहीं सुनता था और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके दादाजी उसके कभी नहीं डांटते थे, बल्कि वो तो उसकी हर शैतानी में उसका साथ देते थे। उसी गांव में एक बार एक गाय आ जाती है। बेचारी बड़ी भूखी होती है। ढूंढते ढूंढते वो दुर्भाग्यवश पप्पू के घर पहुंच जाती है। पप्पू जैसे ही गाय को देखता है अपने दादाजी को पुकारता है। दादाजी, वो देखो, हमारे घर में गाय घुस गई। चलो बेटा, हम उसकी हालत खराब करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। हाँ चलो दादाजी, बहुत मजा आएगा इसको तड़पाने में। दादा और पोता मिलकर गाय को रस्सी के जरिए एक खूंटे पर बांध लेते हैं। पप्पू गाय को बहुत तंग करता है, जिसे देखकर उसके दादाजी बड़े खुश होते हैं। बेचारी गाय परेशान होकर बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं यहाँ आ गई, अब कभी नहीं आऊंगी। नहीं, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, तू आखिर हमारे घर में घुसी कैसे? हाँ बेटा, सही कह रहे हो, अंदर जाओ और एक बर्तन लेकर आ, आज तुझे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ। अभी लाया दादाजी। और फिर पप्पू और दादाजी ने मिलकर लगातार दो दिनों तक उस गाय का दूध निकाला, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और उसे उसी खूंटे से बांध दिया और दो दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अगले दिन पप्पू के घर के आंगन में एक प्यारा सा कबूतर आकर दाना चुगने लगा। उसे देखते ही पप्पू ने दादाजी को बोला, दादाजी देखो कबूतर आया है। तो देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे और उस पिंजरे में डाल दे। जी दादाजी, अभी पकड़ता हूँ। और पप्पू ने चुपके से उस कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। उसे भी गाय की तरह पप्पू और उसके दादाजी ने बहुत परेशान किया। बेचारा कबूतर उसी पिंजरे में फड़फड़ाता रह गया, खाने को भी एक दाना ना दिया गया। अगले दिन वो कबूतर जैसे तैसे पिंजरा काट कर भाग गया। अगले दिन रास्ते में दोनों दादा और पोते को एक मुर्गा दिखाई दिया। चूंकि दादाजी पुराने शिकारी थे, शिकार करना उनका शौक था, शायद इसीलिए वो जानवरों को इतना परेशान करते थे और उन्हें इसमें बहुत अच्छा लगता था। चल बेटा, आज तेरी दावत उड़ाता हूँ, मुर्गा खाएगा। मुर्गा फड़फड़ाता ही रह गया। उसके दादाजी और पोते ने उसे घर ले जाकर काट कर मार कर खा लिया। फिर अगले दिन दादाजी ने पोते से कहा, चल पप्पू, आज मैं तुझे जंगल ले चलता हूँ और शिकार करना सिखाऊंगा। हाँ दादाजी चलो, मैं भी शिकार करना सीखना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहा, मेरी बंदूक ले आ और चल हम शिकार पर चलेंगे। हाँ मैं तो ले भी आया। अब दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले उसने जंगल में झाड़ियों के पीछे एक हिरन दिखा। दादाजी मुझे झाड़ियों में कुछ दिख रहा है। धीरे बोल वरना वो भाग जाएगा। ये तो हिरन है दादाजी। हाँ बेटा, बड़ा तगड़ा शिकार होता है, रुक मैं निशाना लगाता हूँ। और दादाजी ने निशाना उस निर्दोष हिरन पर लगा दिया। बेचारे की जान चली गई। इस पर पप्पू बहुत खुश हुआ। ये दादाजी, दादाजी ने हिरन मारा, दादाजी ने हिरन मारा। देख बेटा, तेरे दादाजी का कमाल। अब वो अपने अगले शिकार की ओर आगे बढ़े। काफी देर इंतजार करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश दिखाई दिया और पप्पू बोला, दादाजी एक और शिकार, वो देखो। निशाना लगाओ जल्दी। नहीं बेटा, इतने से खरगोश को मारने में गोली बर्बाद नहीं कर सकता। आजा उसके पास जाते हैं और पकड़कर घर ले चलते हैं, तू इससे खेलना। तभी पास में खड़ा एक भैंसा दादाजी से बोला, सुनो, उससे ना तो बोलना और ना ही उसे छेड़ना, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे की बात सुनकर दादाजी हंस पड़े। ये छोटा सा खरगोश ये खतरनाक है, आपको जितना बताया उतना करो बस, वरना बहुत पछताओगे। अब तू हमें बताएगा, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दूंगा। दादाजी ने भैंसे को भगा दिया। जा रहा हूँ मैं, पर तुम पछताओगे। दादाजी पोते से, आजा बेटा, उसके पास चलते हैं,
चलो दादाजी। और दोनों ही उस नन्हे से खरगोश के पास गए। पप्पू बोला, चल हमारे साथ, हम तुझे अपने घर ले जाने आए हैं। नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीधी तरह चल वरना। वरना क्या, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। खरगोश का कान पकड़कर पप्पू ने बोला, सीधी तरह चलता है कि नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अब पप्पू जिद पर अड़ गया, उसे वो खरगोश चाहिए ही था। उसने और जोर से खरगोश के कान मरोड़े, लेकिन ये क्या हुआ, देखते ही देखते खरगोश विशाल हो गया। दादा पोते दोनों डर गए। खरगोश अब दोनों से भी ज्यादा विशाल आकार में आ चुका था। अब खरगोश बोला, बोला था ना मुझसे दूर रहना, नहीं माने ना तुम, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। दादाजी ने डरते हुए कहा, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को भुगतनी ही पड़ेगी, तुमने निर्दोष जानवरों को बहुत मारा है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सजा तो सजा होती है, तुम दोनों को सजा मिलेगी। विशाल खरगोश के आगे दादा पोतों की एक न चली और खरगोश ने पास में रखे हुए पिंजरे में दोनों दादा और पोते को बंद कर दिया और खरगोश वापस से छोटा होकर गायब हो गया। और अब हर एक जंगल का जानवर पिंजरे में बंद दादा और पोते को परेशान करने लगा। कोई आकर पंजा मारता तो कोई चिढ़ाकर चला जाता। बंदर ने सबसे ज्यादा मजा लिया। दादाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी, आज सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर खरगोश वापस दो दिन बाद लौटा। उसने विशाल रूप में उन दोनों को पिंजरे से आजाद कर दिया। दादा और पोते ने खरगोश से माफी मांगी और ये वचन दिया कि आगे से हम जानवरों को कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर कभी तुमने किसी जानवर को परेशान किया तो याद रखना, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जानवर भी एक जीव होते हैं, उनमें भी उतनी ही प्यार और जान होती है जितनी तुम इंसानों में है, उनकी कदर करना सीखो। दादा और पोते को उनका ज्ञान मिल चुका था, तो आप भी जानवरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, ये दुनिया उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हम